अगर आप अपनी इंग्लिश को एनहेंस करना चाहते हो और अपनी इंग्लिश को पॉलिश करना चाहते हो, तो मैं आज आपके सामने कुछ ऐसे वर्ड्स इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ जिन वर्ड्स के माध्यम से आप अपनी इंग्लिश में चार चांद लगा सकते हैं, ओके, और एक अच्छे स्पीकर आप बन सकते हैं। तो आज का सबसे पहला जो वर्ड है वो है कंपेंडियम। व्हाट इज कंपेंडियम? कंपेंडियम का मतलब होता है समरी या फिर कंप्लीलेशन। ये ध्यान रखिएगा, कंपेंडियम है वो एक नाउन वर्ड है। क्या है? नाउन वर्ड है, ओके। तो इसका मतलब होता है किसी चीज को छोटा करना, समरी करना या फिर कंप्लीलेशन करना, ओके। अब देखते हैं इसका यूजेज। देखिएगा, इसको जब यूज करेंगे सेंटेंस में, तो ही हैज नीटली कंपेंडेड हिज नॉवल इन लेस देन 500 वर्ड्स। मतलब इसका ये हुआ कि उसने एक नॉवेल को 500 शब्दों के अंदर अंदर लिख दिया। इसका मतलब संक्षिप्त रूप में उसको लिख दिया, ओके। इसके कुछ रिवर्स वर्ड होते हैं। रिवर्स वर्ड का मतलब हो गया एंटोनियम्स, या आप उनको बोल सकते हैं ओपोजिट वर्ड्स, ओके। तो रिवर्स वर्ड देखिएगा, इसका मतलब होता है एक्सटेंशन या फिर होता है एनलार्जमेंट। व्हाट इज एक्सटेंशन या फिर एनलार्जमेंट? ये देखिएगा, कंपेंडियम का मतलब संक्षिप्त होना और एक्सटेंशन का मतलब फैलाव, एक्सटेंशन। स्टूडेंट्स, अपना सेकंड वर्ड है वो है कंपेशन। व्हाट इज कंपेशन? कंपेशन का मतलब होता है दया। ये भी एक नाउन वर्ड है, ध्यान रखिएगा, ओके। तो इसका मतलब होता है दया। इसके जो सिनोनिम वर्ड्स है, यानी जो सेम मीनिंग जो वर्ड्स है वो है पीटी, ओके। क्या है? पीटी, या फिर हम इसको बोल सकते हैं मैर्सी। मैर्सी ध्यान रखिएगा एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है दया दिखाना, ओके। इसको थैंक यू के बदले भी बोला जाता है, यानी थैंक यू के स्थान पर भी बोला जाता है। जब भी कोई आपको थैंक यू बोलना हो तो आप मैर्सी भी बोल सकते हैं फ्रेंच में, ठीक है। नेक्स्ट है अपना टेंडरनेस। व्हाट इज टेंडरनेस? और इसके बाद आता है जेंटलनेस। ये सारे सिनोनिम वर्ड्स है, ओके। अब इसको देखते हैं यूजेस, यानी सेंटेंस में। पीपल विद टू मच ईगो डोंट शो कंपेशन, यानी जिन लोगों में बहुत ज्यादा ईगो होता है वो लोग कभी दया नहीं दिखाते हैं। इसके रिवर्स वर्ड देखिएगा, रिवर्स वर्ड इसका है एंटीपैथी, यानी इसके ओपोजिट वर्ड्स है वो है एंटीपैथी, या फिर हम इसको बोल सकते हैं रदलेसनेस। इसका मतलब दया दिखाना और इनका मतलब होता है कठोर होना, ओके। चलो नेक्स्ट वर्ड पे जाते हैं गाइज। अपना आज का अपना थर्ड वर्ड है वो है लिबिडिनस। क्या है? लिबिडिनस। देखिए, लिबिडिनस एक एडजेक्टिव वर्ड है। क्या है? एक एडजेक्टिव वर्ड है। लिबिडिनस का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जिसमें कामुकता की भावना ज़्यादा होती है, यानी सेंसुअल जो चीज़ें होती हैं ना वो उसमें ज़्यादा होती है। इसका सिनोनिम वर्ड होता है लस्टफुल। क्या होता है? लस्टफुल। और इसको हम बोल सकते हैं सेंसुअल, ओके। और इसका एक नेक्स्ट आता है वो है लास्सिवियस। क्या होता है? लास्सिवियस। ये सारे इसके सिनोनिम वर्ड है, यानी सेम मीनिंग है, ओके, किसके? लिबिडिनस के, ओके। देखिए इसको यूजेज में हम देखते हैं, तो यूजेज यानी सेंटेंस में, टीनेजर्स आर बिकमिंग मोर लिबिडिनस नाउडेज, यानी जो टीनेजर्स होते हैं, यानी 13-18 ईयर्स के जितने भी साल के जो बच्चे जो होते हैं, उनमें जो लिबिडिनस की जो भावनाएं होती है वो ज़्यादा बढ़ रही है। इसका मतलब ये है, ओके। इसका रिवर्स वर्ड देखिएगा, वो है मॉरल या फिर डिसेंट, यानी नैतिकता की बातें करना, नैतिक होना या फिर डिसेंट होना, सोबर होना, ओके। चलो तो गाइज, अब हम अपना बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड के बारे में। नेक्स्ट वर्ड है वो है रूज। व्हाट इज रूज? जिसका मतलब होता है ट्रिक या फिर डिसेप्शन, या फिर हम बोल सकते हैं गिमिक, या फिर होता है एप्लॉय। इन सब का मतलब ये होता है कि रूज, यानी कोई इंसान किसी ट्रिक से काम करता है, यानी चालाकी से, बड़े ही स्मार्ट तरीके से, एक्यूमन तरीके से, उसको बोलते हैं रूज। ये एक नाउन वर्ड है, ओके। देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, सीमा हैड रूज सचिन, ओके, एंड ऑल्सो रोब्ड मनी फ्रॉम हिम। यानी सीमा ने चालाकी चली, सीमा आपको पता है कि सीमा सचिन का मैटर भी है, पाकिस्तान इंडिया हो गया, तो सीमा हैड रूज, सीमा ने चालाकी चली, ठीक है, सचिन के ऊपर, एंड ऑल्सो रोब्ड मनी फ्रॉम हिम, और उससे पैसे भी लूट लिए, ओके। तो यहाँ पे रूज का मतलब आप समझ सकते हैं, द मीनिंग ऑफ द रूज मीन्स कि यहाँ पे ट्रिक से लिया गया। कैसे लिया गया? ट्रिक से, यानी चालाकी से। इसके रिवर्स वर्ड होते हैं ऑनेस्टी या फिर ओपननेस, ईमानदारी या फिर खुलापन, ओके। गाइज, अपना आज का नेक्स्ट वर्ड है
वो ये है सिंपलटन. व्हाट इज सिंपलटन? सिंपलटन आपने पढ़ा होगा, टेंथ क्लास में एक चैप्टर है भोली नाम से, ठीक है. उस भोली में ये वर्ड आता है कि भोली किस तरह की लड़की थी, वो सिंपलटन थी. ये भी एक नाउन है, ठीक है. तो नाउन इसका मतलब होता है फूल, या फिर होता है बफून, या फिर होता है जॉक. ये इसके सिनोनिम वर्ड आप यूज कर सकते हैं. इसको यूजेज में देखिएगा, भोली इज अ सिंपलटन बट हैज अ लॉट ऑफ ईगोस. कि भोली में, भोली क्या है, एक सिंपलटन है, यानी भोली भाली है, बट हैज अ लॉट ऑफ ईगोस, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा घमंड है. उस चैप्टर में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये एग्जाम्पल के तौर पर है कि भोली में बहुत ज्यादा ईगोज है. ओके, इसके रिवर्स वर्ड देखिएगा, जीनियस या फिर ब्रेन. जिसमें दिमाग होता है उसको बोलते हैं जीनियस या फिर ब्रेन. तो गाइज, ये वर्ड्स आज आपके लिए थे. उम्मीद करता हूँ कि ये वर्ड्स आपके इंग्लिश को एनहेंस करेंगे, पॉलिश करेंगे. ऐसे ही नए वर्ड सीखने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा. थैंक यू, गुड डे.